परम सम्मानीय ओम जी बिरला साहब। जय महाराज। आज हम सबकी आस्था, विश्वास, धर्म और आध्यात्मिक का केंद्र बेनेश्वर धाम के इस हरि मंदिर, जहां स्वर्ण कलश की स्थापना हुई और अति विष्णु महायज्ञ हुआ, पीताशर अच्युतानंद जी महाराज के सानिध्य में मैं उनको प्रणाम। आज हमारे बीच में वृंदावन से रितेश्वर जी महाराज, जो भी वृंदावन जाता है हर व्यक्ति को आध्यात्मिक धर्म के साथ भोजन की तृप्ति कराते हैं, आज वो भी वृंदावन धाम से यहाँ पर पधारे हैं। अभी दो दिन पहले ही मेरे निवास पर मिलना हुआ था, यहाँ पधारे सभी संतगण, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता जिन्होंने इस गांव गांव को ढाना, माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, राजस्थान सरकार में मंत्री आदरणीय महेंद्रजीत सिंह जी मालवे साहब, जो सारे आयोजन के अध्यक्ष हैं, हमारे लोकसभा में हमारे साथी कनकमल कटारा जी, अर्जुन मीणा जी, माननीय से विधायकगण और सभी श्रद्धालु भाई बहनों और जो यज्ञ की पुनरावृत्ति में बैठे हैं, उनकी पुनरावृत्ति का यह समय मिले, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। ये तीन नदियों का संगम जो दक्षिण भारत का प्रयाग है, बेनेश्वर धाम, और उस बेनेश्वर धाम में हरि मंदिर और उसके साथ इस क्षेत्र में 300 वर्षों तक जिनके आध्यात्मिक, धार्मिक, जिनकी भविष्यवाणी, जिनका उस समय लिखा चोपड़ा, ऐसे संत मावजी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। ये सारा इलाका, बांगड़ का इलाका, जनजाति क्षेत्र का इलाका, जो शक्ति का केंद्र रहा, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की धरती रही, शौर्य की धरती रही, गोविंद गुरु की धरती रही, वीर बाले कालीबाई की धरती रही, कितने ही संत जिन्होंने सारे क्षेत्र के अंदर अपने आध्यात्मिक, धार्मिक, समाज सुधारक के रूप में इस क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए जो काम किया, उन सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूं। ये बेनेश्वर धाम का यह मंदिर और ये स्थान, और जिस तरीके से कहते हैं कि मावजी महाराज ने, मुझे गुलाब जी कटारिया बता रहे थे कि उनके चोपड़े में लिखी उस समय की बात, उनकी दिव्य दृष्टि, उनका दिव्य सोच आज वर्तमान के अंदर सत्य नजर आ रहा है। ये संतों का संत होते हैं जो भगवान कृष्ण के अवतार थे,
और उन्होंने माऊ जी महाराज ने इस इलाके के अंदर आध्यात्मिक धर्म से लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया। एक समाज सुधारक के रूप में इस सारे क्षेत्र के लोगों के जीवन को आध्यात्मिक जीवन के साथ नई दिशा देने का काम किया। आज भी उनके चोपड़े पढ़े जाते हैं और ये सत्य है कि उन्होंने लिखे हुए चोपड़े, उन्होंने कहा था राजतंत्र खत्म होगा, देश में लोकतंत्र आएगा और आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। लोकतंत्र प्राचीनतम लोकतंत्र भारत की भारत है और इसलिए आज इस लोकतंत्र के माध्यम से हमने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ हमने आध्यात्मिक धर्म हमारी संस्कृति को जीवंत रखा। भौतिक रूप से कई देश प्रगति कर गए होंगे लेकिन आध्यात्मिक और धर्म के रूप में आज भी दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व करता है और सुख शांति के लिए दुनिया के लोग भारत में आते हैं। और वेनेश्वर धाम इसी तरीके से इसका विकास भी आध्यात्मिक धर्म आस्था के रूप में हो कि दुनिया के लोग यहाँ पर सुख शांति के लिए आए, संत मावाजी महाराज की भविष्यवाणियों को पढ़े, उनके चोपड़ों को पढ़े और किस तरीके से एक संत ने उस समय भविष्यवाणी कर लोगों के जीवन को परिवर्तन करने के लिए लंबे समय तक अपनी तप तपस्या आध्यात्मिक ज्ञान से अपने जीवन को समर्पण किया। आज मैं मावाजी महाराज को प्रणाम करता हूँ और मुझे आशा है हमारे अक्षरानंद जी महाराज जी के नेतृत्व में इस सारे क्षेत्र में जो आध्यात्मिक धर्म की ज्योति जो उजाला उन्होंने किया है, निश्चित रूप से इस सारे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होगा, एक समता का समाज होगा, सब समाज के लोग एक साथ बैठकर भगवान की आराधना पूजा करेंगे और इस वेनेश्वर धाम को और हम विकसित करेंगे ताकि आने वाले समय के अंदर देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आए। मैं पुनः इस धरती को प्रणाम करता हूँ और वेनेश्वर धाम के विकास के लिए जो कुछ भी एक कार्यकर्ता के रूप में मैं आपके साथ हूँ। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर आस्था विश्वास के इस केंद्र को देश और दुनिया बताएंगे ताकि दुनिया के लोग देखने आए कि कैसे कैसे संत यहाँ पर हुए थे। पुनः आप सबको प्रणाम और हरि मंदिर के इस कार्यक्रम के लिए आप सबको शुभकामनाएं और पूरी टीम ने जिन्होंने दिन रात लगकर इस मेहनत की उस टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।